उम्र बिता दिया हमने, बच्चों की अच्छी शिक्षा, अच्छा खान पान और सुख सुविधाओं का फिक्र करने में। बच्चे अब बड़े हो गए हैं और व्यस्त हैं पापा की संपत्ति के बंटवारे का जिक्र करने। प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, क्योंकि स्वस्थ और खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। संपत्ति हो चाहे ना हो, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज, आज के समय में यदि आप सुखी रहना चाहते हैं तो सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके अपने बच्चे ही कभी कभी चूना लगा देते हैं। हम अपने बच्चों पर ही विश्वास करते हैं और वही विश्वास हम पे भारी पड़ जाता है। तो आज की संडे स्टोरी में एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, और इस कहानी के माध्यम से आप देखेंगे, आप सीख पाएंगे, आप समझेंगे कि किस प्रकार से आज के जो रिश्ते हैं, आज के जो नाते हैं, केवल और केवल पैसे के लिए रह गए हैं। केवल और केवल किसकी भाषा समझता है आज का रिश्ता और आज का नाता? पैसे की भाषा समझता है। तो चलिए, आप चाहे किसी भी वर्ग के हो, आप ये ना सोचे कि मैं 12 साल का लड़का हूँ, मैं 18 साल का लड़का या लड़की हूँ, मैं युवक हूँ, युवती हूँ, ये बूढ़ा वाली कहानी क्यों सुनना। आप किसी भी वर्ग के हो, चाहे आप उस उम्र के पड़ाव में हैं जब आपकी संपत्ति का बंटवारा होने वाला है, ये कहानी आपके भी काम आने वाली है। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा और कहानी के अंत में आप खुद ही बताइएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। ये कहानी है उस गंगाधर की, जो ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन ईमानदार और मेहनती था। उसने अपनी ईमानदारी से, उसके एक साइकिल के पंचर की दुकान थी और ईमानदारी से काम करता था, और उसके चार बेटे और अपनी बीवी के साथ, अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में गुजारा करता था। समय बीतता गया, मेहनत करता गया, उसकी उस साइकिल पंचर की छोटी सी दुकान बड़े से बिल्कुल बड़ी दुकान बन गई। उसने अपने नीचे बहुत सारे कर्मचारी रख लिए और बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से काम चलता गया, और गंगाधर आगे सफलता की सीढ़ियां बढ़ता गया, आमदनी आने लग गई, बच्चे भी अच्छी शिक्षा पा गए, उसका काम अच्छा चलता था तो उनकी शिक्षा भी अच्छी हो गई। और इस दौरान क्या हुआ कि जैसे बच्चे बड़े हुए, उनकी शादियां हो गई, इस दौरान उसकी पत्नी उसे छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। अब गंगाधर अकेला हो गया, काम भी नहीं ज्यादा था क्योंकि इतनी प्रॉपर्टी हो गई थी कि अगर घर भी बैठे तो आराम से रह सकता था अपने बड़े मकान में। बच्चे भी जॉब करने लग गए थे, उनकी शादियां हो गई थी। अब क्या है कि एक ऐसा समय आया कि बच्चे आपस में खुसफुस करने लग गए कि अब पिताजी ज्यादा दिन के मेहमान नहीं रहे, अब क्या किया जाए कि जो भी प्रॉपर्टी है पापा की, जो भी संपत्ति है, जो भी पापा ने कमाया है, उसको हम चारों भाई आपस में बांट लें। बच्चों में खुसफुस स्टार्ट हो गई, पंचायत बुलाई गई, सारा गांव बैठा था उस पंचायत में, और बड़े बेटे ने खड़े होकर सरपंच के सामने कहा, सरपंच जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हम चारों भाइयों में आज अपने पापा की संपत्ति का बंटवारा होना है, तो आप बांट दीजिए हम चारों भाइयों में बराबर, और पिताजी 3-3 महीने हम चारों भाइयों के साथ रहेंगे, और पिताजी को भी ये मंजूर है। सरपंच ने कहा, ठीक है बेटा। सरपंच ने बोला कि ठीक है, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो बेटा, अब पिता की संपत्ति को ऐसे ही बांटा जाएगा। गंगाधर उस समय सर नीचे झुकाए बैठा था, अपने पुत्रों की बात सुन रहा था। पुत्र तो नहीं कहेंगे, नलायक पुत्र कहेंगे। देखिए, एक होता है पुत्र और एक होता है कुपुत्र, ठीक है, तो इसके विषय में लास्ट में ही बताऊंगा। तो अपने पुत्रों की बात ध्यान से सुन रहा था, और सरपंच ने
अंत में गंगाधर से पुत्रों की बात सुनने के बाद अंत में गंगाधर से पूछा कि गंगाधर कि ठीक है, तुम्हारा बड़ा बेटा कह रहा है कि पिताजी की संपत्ति इस प्रकार से बांटनी है और पिताजी 3 महीने बड़े वाले के साथ रहेंगे, 3 महीने छोटे वाले के साथ और इस तरीके से करके 1 साल तुम्हारा समय बीत जाएगा। गंगाधर अभी भी सर नीचे किए हुए खड़ा था, बैठा हुआ था और उसने काफी समय सोचने के बाद अचानक बोल उठा कि सुनो सरपंच, ये प्रॉपर्टी, ये संपत्ति मेरी है और मैं डिसाइड करूंगा, मैं निश्चित करूंगा कि किसको कितनी प्रॉपर्टी बांटनी है और मैं ये फैसला सुनाता हूं कि ये मेरे 4 पुत्र हैं, चारों 3-3 महीने मेरे घर में रहेंगे और उसके बाद कहां रहना है ये अपनी व्यवस्था कर ले, संपत्ति मेरी है, सब कुछ मेरा है, ये नहीं डिसाइड करेंगे कि पिताजी कैसे रहेंगे, अभी मैं जिंदा हूं और मैं डिसाइड करूंगा, मैं इनको बताऊंगा कि 3 महीने केवल बड़ा वाला 3 महीने घर में रहेगा, उसके बाद दूसरे वाला रहेगा और इस तरीके से कर केवल 3-3 महीना ये मेरे घर में रहेंगे और बाकी के महीने इन्हें कैसे बिताना है ये खुद डिसाइड करेंगे। गंगाधर की ये बात सुनकर पूरे जो वहां की सभा बैठी थी सन्नाटा छा गया, सभी लोग मतलब सोच में पड़ गए कि गंगाधर ने बात तो सही कही है और वास्तव में उसने जो बात कही थी 100% की बात कही थी, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो यहीं पे अपनी स्टोरी का समापन हुआ। तो प्यारे दोस्तों, इस स्टोरी के माध्यम से आप क्या सीख गए हैं ये मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूं कि आजकल होता क्या है कि ताउम्र पिता माता जो होते हैं अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए, उनकी अच्छी शिक्षा के लिए, उनकी छोटी छोटी डिमांड के लिए दिन भर रात भर मेहनत करते हैं और अंत में जो पुत्र होते हैं वो सोचते हैं कि अब पिता की संपत्ति हमारी है, हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा हिस्सा मेरे को मिलेगा, कौन सी गाड़ी मेरे को लेनी है, कौन सा खेत मेरे को लेना है, ये पुत्र डिसाइड करते हैं। लेकिन जो बंटवारा होता है, बंटवारा पिता को ही करना चाहिए, उसको साफ साफ कह देना चाहिए, चाहे साफ साफ लिख देना चाहिए कि जब तक मैं जिंदा हूं ये सारी प्रॉपर्टी मेरे ही नाम रहेगी, जो मेरी सेवा करेगा वही पाएगा। ऐसा नहीं है कि अधिकारी तुम पहले ही बन गए हो। तो जो प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है, डिवाइड जो करना है, संपत्ति का बंटवारा करना होता है, उस पर सिर्फ और सिर्फ बंटवारे का किसका हक होता है, पिता का हक होता है, ना कि बड़ा वाला बेटा समझाएगा और छोटा वाला बेटा और मायके वाली बेटी समझाएगी, मायके वाली बोलेंगे ससुराल वाली जो भी है बेटी समझाएगी। तो प्यारे दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि आजकल हमारा जो हमारे माता पिता से रिश्ता केवल इतना ही रह गया है कि यदि उनके पास अच्छा माल है, माल का मतलब आप समझ रहे हैं ना, यदि उनके पास अच्छा पैसा है तब हम उनकी इज्जत और खुशामद करते हैं और नहीं है तो वो हमारे ऊपर बोझ लगने लग जाते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि भैया कहाँ रहते हो, तो मैं बोला अपने पापा के साथ रहता हूँ। तो बोले यार वो मकान तो तुमने बनवाया है, मैं बोला मकान मैंने बनवाया है इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं अपने पापा के साथ ही रहता हूँ। तो कहने का मतलब जब तक आपके माँ बाप हैं आप अपने माँ बाप के घर में रहते हैं, ना कि आपके माँ बाप आपके घर में रहते हैं। तो शब्दों का फेर है, कहने और समझने वाले का फेर है, सीखते रहिए, समझते रहिए। तो इस तरीके से एक पुत्र पुत्र वाली जो बात बता रहा था कि वही बात है कि पुत्र और कुपुत्र में क्या अंतर है। पुत्र वो होता है जो माता पिता की सेवा करे, माता पिता के कहने में चले, और कुपुत्र वो होता है कि पिता कह रहा है ऐसे चलो तो पुत्र चलता है दूसरे रास्ते। तो इसीलिए कहा गया है कि पुत सपूत तो काधन संचय और पूत कपूत तो काधन संचय, कि धन संचय करना दोनों स्थिति में बेकार है। अगर आप
ने धन बहुत ज्यादा संचय किया हुआ है, बचाया हुआ है, और आपका पुत्र कुपुत्र हो गया, गलत संगत में पड़ गया, गलत आदतों में पड़ गया, खराब मतलब जो इलीगल काम है वो करता है, तो आपके धन का सत्यानाश कर देगा। और पुत्र सपूत तो काधन संचय, और पुत्र ही आपका सपूत है तो भी धन संचय करने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो आपका पुत्र है, सुपुत्र है, आगे वो आपके धन की वृद्धि ही करता जाएगा। लेकिन ये कलयुग है मेरे दोस्त, किसी के नियत का कुछ विश्वास नहीं किया जा सकता, नियत कब पलट जाती है। मोर ओवर शादी से पहले सभी बच्चे अपने मम्मी पापा को प्यार करते हैं, हम भी करते हैं शादी हम शादी के बाद भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शादी से पहले सभी लोग यही कहते हैं कि पापा आप मेरे लिए सब कुछ हो, मम्मी आप मेरे लिए सब कुछ हो। शादी के बाद जब सुंदर बीबी आ जाती है तो वो प्यार बढ़ जाता है और दरारें स्टार्ट हो जाती हैं। बीबी कहती है कि मैं पापा के साथ नहीं रहूंगी, पुराने विचारों वाले हैं। तो ये सारा जो सारा है भार किस पे डिपेंड करता है, पुत्र पे। वो कैसे बैलेंस्ड करके रखता है मम्मी पापा को भी और अपने बीवी बच्चों को, वो उस पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, स्थिति कैसी भी आ जाए, स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी हो जाए, माता पिता की सेवा और माता पिता का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए यदि आप सफल होना चाहते हैं। अंत में प्रेम ज्ञान यह है कि यदि आप सफल होना चाहते हैं तो अपने माता पिता का साथ कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि उनके आशीर्वाद से बढ़कर दुनिया में कोई भी आशीर्वाद बड़ा नहीं होता। उनकी दुआएं हर जगह काम करती हैं, जब तक जीवित हैं तब तक, और मरने के बाद भी उनकी दुआएं हमेशा हमारे ऊपर काम करती हैं। तो कभी भी माता पिता का दिल मत दुखाइए। यदि माता पिता का दिल आपने दुखा दिया तो आप समझ लीजिए, आप चाहे मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, चाहे किसी भी देव को मनाए या महादेव को मनाए, फिर वो नहीं मनने वाले। तो माता पिता को खुश रखिए, वृद्धाश्रम से वापस लाइए, क्योंकि आज यदि आपके माता पिता वृद्धाश्रम में हैं तो कल आपके बच्चों के माता पिता भी वृद्धाश्रम में ही होंगे, क्योंकि ट्रेंड आप बना रहे हैं तो बच्चे भी तो ट्रेंड बनाएंगे। और बच्चों के माता पिता कौन होंगे, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, और इसी तरीके से संडे स्टोरी में आपके सामने एक नया जीता जागता स्टोरी लेके आऊंगा जो आज के समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, शुभ रात्रि।